लोग हमें कुछ इस तरह भी याद करते हैं। यार काम था आपसे। और नाम सिकंदर की है पुछता जग। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक और नया टिकटॉक का ट्रेंडिंग उर्दू लिरिक्स रिलेटेड वीडियो लेके आ चुका हूँ, जो कि आप सिंपल स्क्रीन में देख चुके हैं। तो अगर आप इस तरह का ट्रेंडिंग और ऑसम स्टेटस बनाना चाहते हैं तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की वीडियो में इसका मुकम्मल ट्यूटोरियल बताऊंगा। तो वक्त गाने के बगैर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये तो फ्रेंड ये टिकटॉक की आईडी है मुर्शद 1074। तो इस तरह का स्टेटस बना रहा है, तो एक भाई ने इंस्टाग्राम पे दो तीन स्टेटस भेजे, तो उसने बोला यार इस तरह का स्टेटस कैसे बनाते हैं आप, इस पर ट्यूटोरियल दें। तो अगर आप इस स्टेटस का ट्यूटोरियल चाहते हैं या कोई सा मटेरियल चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर दफा हैं वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्टेटस को बनाने के लिए हम लाइट मोशन ऐप को यूज़ करेंगे। तो आपने लाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। तो अगर आपके पास लाइट मोशन नहीं है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाकर आपने डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपने प्लस पे टैप करके और 9.60 वाला शिफ्ट ऐड करके आपने क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप कर लेना है। उसके बाद आपने प्लस पे टैप करके मीडिया में आके अपने वीडियो ऐड कर लेनी है, जिस वीडियो पे आप स्टेटस बनाना चाहते हैं। तो मैंने जैसे कि ये वीडियो ऐड कर ली है। तो फ्रेंड अगर आप भी इस तरह का जो ऊपर ब्लैक इफेक्ट लगा हुआ आप ये लगाना चाहते हैं, तो उस पर पहले मैंने वीडियो बनाई थी, आपकी वीडियो को प्राइस कार्ड दे दूँगा, आपने वो वीडियो देख लेनी है। और अपनी वीडियो में इस तरह का जो है वो अगर आप स्टेटस यानी कि बनाने के लिए ब्लैक इफेक्ट यूज़ करना चाहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है टिकटॉक पर, बहुत ज़्यादा आईडी वाले उस ब्लैक इफेक्ट ट्रेंड को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपने वीडियो में यूज़ करना चाहते हैं तो आपने वीडियो वॉच कर लेनी है। तो उसके बाद फ्रेंड आपने क्या करना है, प्लस पे टैप करके अगर आपके पास आईडी की सूरत में है तो आपने म्यूज़िक में से यानी ऑडियो में से लगा लेना है, अगर आपके पास वीडियो की सूरत में है तो आपने वीडियो से स्टार्ट कर लेना है अपना सॉन्ग जो कि आप स्टेटस के लिए जो है वो यूज़ करेंगे। तो चूँकि मेरे पास जो है वीडियो की सूरत में है तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ जल्दी से। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने अपना जो है सॉन्ग स्टार्ट कर लिया, आप देख सकते हैं इस तरह आपने अपना सॉन्ग जो है स्टार्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपना तमाम जो आपका पोट्री है या सॉन्ग है आपने वो सुन लेना है और इस पर आपने बीट मार्क लगाने हैं। तो जल्दी से मैं बीट मार्क लगा लेता हूँ। दिल तो आशिक रखते हैं फ्रेंड, इस तरह आपने अपने जो है वो सॉन्ग सुन के आपने जो आपके लिरिक्स जहाँ जहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं तो वहाँ पे आपने बीट मार्क लगा लेना है। या आपके पास कर्सर शो रहा है, जस्ट आप कर्सर पे ऐसे टैप करेंगे और बीट मार्क लग जाएगा। आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आप दोबारा पे टैप करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। इतना हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड स्टेटस को मैंने एक्सएमएल बनाया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये फ्रेंड एक्सएमएल है इसका, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपने डाउनलोड करके और अपने लाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, प्लस डबल आइकन पर टाइप करके और सेलेक्ट आर लेयर करके उसके बाद दोबारा फिर आपने जो है वो दोबारा इसी प्लस डबल आइकन पर टाइप करके और कॉपी थ्री लेयर आपने कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि वापस अपने प्रोजेक्ट में आ जाना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आके प्लस डबल आइकन पे टैप करके आपने पेस्ट थ्री लेयर कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जहाँ तक आपका ये बीट मार्क है आपने ये क्लॉक वाला आइकन सेलेक्ट करके इसको इस तरह से आके आपने बढ़ा लेना है, इसको भी सेलेक्ट कर लेना है और सेम वही तरीका करना है आपने तीनों लेयरों के साथ, आपने वही सेम तरीका करना है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से होगा, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको जो है वो सेलेक्ट करके और डबल लेयर पर टैप करके इसको आपने रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद आपने क्या करना है कि आपका जो लिरिक्स आपने वो लिख लेना है, जैसे कि मेरे पास ये लिरिक्स है तो मैं जो है वो ये ओके कर लेता हूँ। यानी कि ओके करने के बाद इसको फॉन्ट जो है वो चिपस्टर है, आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। इसको सॉरी ये बहुत बड़ा हो गया, इसको दो पार्ट में हमने लिखना है। तो इसको जो है वो आपने क्या करना है कि अपने लिरिक्स के हिसाब से आपने जस्ट जितना आपका लिरिक्स है आपने उस हिसाब से जो है वो क्या करना है लिखना है। तो उसके बाद दूसरा ये है, इसको जो है इसको भी रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे अपना जो लिरिक्स है वो लिख लेते हैं। तो फ्रेंड इस पर जो वो आईडी वाला यूज़ कर रहा है फॉन्ट, वो फॉन्ट का नाम है चिपस्टर। तो आपने जो क्या करना है कि वो चिपस्टर फॉन्ट लगा लेना है और चिपस्टर फॉन्ट लगा के अपना अपने स्टेटस बनाना है। अगर आप कोई और फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो आईडी वाला यूज़ कर रहा है, क्योंकि बहुत से भाई फिर बाद में मैसेज करके मुझे जो है वो कमेंट्स करके बोलते हैं यार फॉन्ट का नाम बता दो। तो इस तरह आपने अपना जो है वो चिपस्टर फॉन्ट लगा लेना या कोई और फॉन्ट लगाना चाहें वो लगा लेना है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से इशू होगा। अगर आप इमोजी चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने तीनों लेयरों को दोबारा फिर जो है वो क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने कुछ इस तरह से इधर रख के
और एंड को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जहाँ पे आपका लिरिक्स जो है वो ख़त्म हो रहे हैं यानी कि बीट मार्क लगा हुआ, तो आपने जहाँ से आके एक लाइक को लाइक में टाइप करके इसको ट्रिम कर लेना है। और सेम इसको भी आपने जो है वो इधर से ऐसे ट्रिम कर लेना है, और इसको भी सेम आपने ऐसे ट्रिम कर लेना है। ट्रिम ये हमारे तीनों हो चुके हैं। उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इस तरह से इसको जो है वो रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद आपका जो आगे वाला लिरिक्स है आपने वो लिख लेना है। अपने जो है दूसरे को उसको भी एडिट कर लेते हैं। एडिट करने के बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं जस्ट इसको रिमूव करके, और यहाँ पे लिख लेते हैं लोग, कुछ इस तरह से आपने लोग लिख लेना है। तो फ्रेंड आपको एक और बात बताता हूँ, अगर आप इसके जो है वो कलर जो साथ में ये शेडो बना हुआ आप इसको चेंज करना चाहते हैं, तो आपने इफेक्ट में आके यू शिफ्ट में आके आपने जो है ये प्लस की जहाँ पर लगी इसको थोड़ा सा इस तरह से आपने इंक्रीज़ कर देना है। वो आप अपने हिसाब चेक कर लीजिएगा। इस तरह आपके जो है वो कलर जो है वो अलग अलग आएंगे यानी कि सेम नहीं होंगे। अभी आप देख रहे हैं ऊपर और है नीचे और है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर और नीचे और है। इस तरह से आप अपने अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी है, क्योंकि वाइट वाला एक लेयर से उसका कलर अलग होते हैं, दूसरे लेयर के कलर अलग होते हैं। वो आप डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से जस्ट चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह आपने कॉपी पेस्ट करके जस्ट क्या करना है कि अपने लिरिक्स को एडिट करते जाना है और अपना स्टेटस बना लेना है। तो मैं जल्दी से अपने जो है वो तमाम लिरिक्स कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि आप कीमती वक्त बच सके। फ्रेंड आप देख सकते हैं मैंने अपने तमाम लिरिक्स जो लिख लिए हैं। तो आपने इस तरह जो है वो अपने तमाम लिरिक्स लिख लेने हैं। इसका XML का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपने अपने लाइट मोशन में जो है वो इम्पोर्ट करके और जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। वहाँ से आपने कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके इसको एडिट को आपने जो है वो लिरिक्स को एडिट करते जाना है और अपना स्टेटस इस तरह से आपने बना लेना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट पे टाइप करने के बाद ये हमारी जो वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है, तो मैं आपको प्ले करके चेक करा देता हूँ। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। वीडियो आपको हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कुछ भी अच्छा लगा कुछ भी बुरा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लगा कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर दफाएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने और अपने चैनल वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।